बातों से कि असली सांपों के साथ काम हो रहा था और उसमें बड़ा मशहूर हो गया, मतलब कि बड़ा अच्छा है ये। नागराज का टीवी सीरियल तो दोस्तों आपने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके नागराज का टीवी सीरियल देख सकते हैं, जिसके 3 पार्ट बने थे दोस्तों, और उसमें अभिनय किया था राज प्रेमी जी ने, जिन्हें आपने जय हनुमान और साथ साथ में दोस्तों हर हर महादेव जो लेटेस्ट सीरियल था में देखा होगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं उन्हीं की जबानी, उन्हीं की कहानी के नागराज टीवी सीरियल बंद क्यों हुआ, क्यों नहीं बन पाई नागराज के ऊपर फिल्म। नहीं ये मेरे साथ कनेक्टेड है, नागराज का ऑफर आया था और हमने नागराज की 5 एपिसोड बनाए भी, और जो कॉमिक राज कॉमिक वाले हैं वो नागराज को दूरदर्शन पे टेलीकास्ट करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त स्पेशल इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं था जो आज के दिन में है। तो सांप नागराज, जैसे कि आप लोग कॉमिक पढ़े होंगे तो सांपों का बहुत खेला था उसमें, और हम रियल स्नेक से काम कर रहे थे, तो जो एनिमल वेलफेयर वाले उन्होंने ये सीरियल में आपत्ति जताई कि भाई ये क्योंकि स्नेक सांप का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है इसमें और दूरदर्शन पे इसको टेलीकास्ट नहीं किया जा सकता, और इस वजह से ये सीरियल अटक गई, ना मैं कर पाया ना आप लोग देख पाए, और उनका भी बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट था गुप्ता जी ब्रदर्स एंड सन्स का, कि वो नहीं बन पाया, लेकिन वो सीरियल भी एकदम मेरे दिल के बहुत करीब है। कुछ शोज जो है जो मेरे दिल के बहुत करीब है उसमें एक नागराज भी था कि नहीं हो पाया, कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं, तो एक वो अधूरा सपना है हमारा, सर उसे पूरा करना चाहेंगे। मैं अभी उसमें नागराज तो नहीं बनना चाहूंगा, लेकिन हाँ मैं नागराज अगर फिल्म बनी या कुछ बनी तो मैं उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ पार्ट उसमें मैं करना चाहूंगा एज एन एक्टर भी, और भगवान ने चाहा तो मैं प्रोड्यूस करूंगा नागराज। अच्छा, आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं। सर नागराज से रिलेटेड एक कहानी जो है मुझे जो पता है कुछ इंटरव्यूज और कुछ वीडियो से कि असली सांपों के साथ काम हो रहा था और उसमें बड़ा मशहूर हो गया, मतलब कि बड़ा अच्छा है ये कि उसमें 5 की जगह 6 सांप निकले, ये क्या था बताइए थोड़ा सा। वो 5 और 6 सांप नहीं थे, वो 40 सांपों के साथ मैं काम कर रहा था। अच्छा, मैं 40 सांपों के साथ काम कर रहा था फिल्म सिटी में। 40 सांप, लेकिन वो सबके जहर निकाले थे क्योंकि सांप वाले ने सांप लाया था और वो मेरे बदन के इर्द गिर्द सब घूम रहे थे, हमको एक बॉक्स में डाल दिया था, वो बॉक्स जमीन में दफना दिया था जी। तो मतलब जब वो शॉट पूरा हुआ और हम बाहर निकले तो जब सांप वाले ने सब सांप पकड़ पकड़ के अपने जब पिटारे में डालना शुरू किया तो 42 सांप थे। अच्छा, 40 से 42 हो गए, तो बढ़ गए। जंगल से 2 सांप भी और आ गए थे, वो भी हमारे बदन पे रेंग रहे थे, हमें नहीं पता। तो मैंने वो सांप वाले को पूछा, तो सांप कितना लाया था? उसने बोला सर 40 सांप थे। तो मैं बोला अभी 42 कैसे हो गए? बोलते सर हमको ही समझ में नहीं आ रहा है। अब उनको और टेंशन था कि वो 42 सांप कैसे आ गए, मतलब उसमें से 2 जहरीले सांप थे। अब कौन सा जहरीला कैसे पता? तो हमको भी नहीं पता। तो ये भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ एक्टर्स लाइफ कह सकते हैं। अच्छा सर, अगर कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? अभी तो बहुत सारा इंश्योरेंस और ये सब चीज किया जाता है, उस वक्त अच्छा। कोई जिम्मेदारी किसी की जिम्मेदारी नहीं होती थी, मतलब हमारी जिम्मेदारी थी, हम एक्टिंग कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी। आजकल इस तरीके का एग्रीमेंट बनता है कि अगर सेट पर कुछ हो जाए तो प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी होती है, इंश्योरेंस होता है, बट उस वक्त जब हम कर रहे थे उस वक्त ऐसा कुछ था नहीं। आशा है दोस्तों राज प्रेमी जी के जवाबों से आपको संतुष्टि मिल गई होगी क्यों नागराज का सीरियल बंद हुआ और क्यों उसके ऊपर मूवी नहीं बन पाई अभी तक की दोस्तों। और दोस्तों अगर आपने सीरियल नहीं देखा तो उसके लिए दोस्तों मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी, वहां पर क्लिक करके आप जाके वो तीनों सीरियल देख सकते हैं, तीनों एपिसोड देख सकते हैं नागराज के दोस्तों। और लेटेस्ट जानकारी के लिए दोस्तों हमसे बनी रही है, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ साथ में दोस्तों अगर आपके पास प्यारी सी कोई जानकारी है जो आप चाहते हैं कि साझा करना हमसे तो हमें कमेंट करके या मैसेज करके बता सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों।